हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे आपके 2 घंटे का टाइम मांगूं, वो भी आपको एकदम फ्री में कुछ ऐसे स्किल सिखाने के लिए जो दुनिया की ऑलमोस्ट हर एक कंपनी यूज़ करती है, तो मुझे लगता है आप इस बारे में सोचोगे ज़रूर। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। यह टूल दुनिया की ऑलमोस्ट सारी कंपनियाँ यूज़ करती है, एंड अगर आप किसी भी कंपनी में काम करना चाहते हो तो एक्सेल सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो डेटा रिलेटेड क्लास असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट वर्क में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज आपके बहुत काम आता है। एंड इंटरेस्टिंगली, दुनिया की 90% से ज़्यादा कंपनियां अपने स्मॉल टू मीडियम लेवल डेटा रिलेटेड काम, जैसे फाइनेंशियल ऑडिटिंग, सेल्स या बिजनेस परफॉर्मेंस, ये सब के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही यूज़ करती है। तो आई गेस आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्यों सीखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं एक्सेल फॉर बिगिनर्स वीडियो सीरीज़ की, जो हिंदी भाषा में रिकॉर्ड की गई है। यह केवल 2 घंटे की वीडियो सीरीज़ है, जिसमें टोटल 10 लेक्चर्स है एंड हर एक लेक्चर अराउंड 9 से 12 मिनट्स का है। इस वीडियो सीरीज़ में हम एक्सेल के एकदम बेसिक से लेकर मीडियम लेवल तक के सारे ऑप्शंस एकदम सिंपल तरीके से एग्जाम्पल्स के ज़रिए सीखेंगे। अगर आप एक्सेल में नए हो या जस्ट स्टार्ट किए हो तो यह वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट, मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ के हर एक वीडियो की क्विक समरी दे देता हूँ। लेक्चर 1 में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक एलिमेंट्स कवर करेंगे, जैसे रिबन क्या होता है, टैब्स क्या होती है, लाइक होम टैब, इंसर्ट टैब एट्सेट्रा। इसके अलावा हम लोग रोज एंड कॉलम्स के बारे में भी जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि नेम बॉक्स क्या होता है एंड फॉर्मूला बार का क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि स्टेटस बार में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा हम जूम स्लाइडर एंड स्क्रोल बार के बारे में भी जानेंगे। लेक्चर 2 में हम सीखेंगे कि आप एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करें, कैसे आप सेल या फॉर्मूला बार के जरिए अपना डेटा एंटर कर सकते हो, एंड हम जानेंगे कि फिल हैंडल क्या होता है एंड आप उससे यूज़ करके कैसे डेटा एंट्री को फास्ट कर सकते हो। इसके बाद हम होम टैब के फॉन्ट फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग से अपने डेटा को अट्रैक्टिव या आकर्षक बना सकते हो। लेक्चर 3 में हम फॉर्मेट पेंटर के बारे में जानेंगे एंड हम एग्जांपल्स के जरिए सीखेंगे कि कैसे आप फॉर्मेट पेंटर से एक डेटा की फॉर्मेटिंग दूसरे डेटा पे आसानी से लगा सकते हो या कॉपी कर सकते हो। इसके बाद हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सीखेंगे, जैसे अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग, मर्ज एंड सेंटर एट्सेट्रा। हम यह भी जानेंगे कि कैसे आप नंबर फॉर्मेटिंग को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो। लेक्चर 4 में हम अपने डेटा में नए रोज एंड कॉलम्स ऐड करना सीखेंगे। हम यह भी जानेंगे कि कैसे आप पर्टिकुलर रोज या कॉलम्स को डिलीट कर सकते हो। इसके बाद हम कट, कॉपी एंड बहुत टाइप के पेस्ट ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। जैसे आपको सिर्फ डेटा पेस्ट करना हो या फॉर्मेटिंग पेस्ट करना हो या डेटा को एक इमेज या पिक्चर की तरह पेस्ट करना हो एट्सेट्रा। लेक्चर 5 में हम सीखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, इसका क्या यूज़ होता है एंड आप इससे अपने डेटा पे कैसे अप्लाई करें। इसके अलावा हम सीखेंगे कि आप अपने डेटा पे कैसे टेबल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, कैसे आप अपने डेटा में अलग अलग सेल स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम रो एंड कॉलम्स की साइज एडजस्ट करना सीखेंगे। फिर हम डेटा को हाइड और अनहाइड करना सीखेंगे। जैसे आपको कुछ रोज या कॉलम्स छुपाना हो या कोई एक्सेल शीट छुपाना हो तो कैसे करें। इसके बाद हम सीखेंगे कि आप अपनी एक्सेल शीट में कैसे पासवर्ड सेट करके उसे सिक्योर या प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेक्चर 6 में हम एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले बेसिक फॉर्मूला सीखेंगे, जैसे टोटल सम, काउंट ऑफ नंबर्स, एवरेज नंबर, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स एट्सेट्रा। इसके अलावा हम कुछ इफ एल्स वाले फंक्शंस भी एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लोर करेंगे, जैसे इफ नॉट, इफ एंड, इफ और या नेस्टेड इफ एट्सेट्रा। लेक्चर 7 में हम एक्सेल के चार्ट्स एंड ग्राफ्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने डेटा को यूज़ करके अलग अलग टाइप के चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट या पाई चार्ट्स एट्सेट्रा। हम चार्ट्स के और भी बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे, जैसे चार्ट का टाइटल ऐड करना, एक्स एंड वाई एक्सिस के टाइटल्स ऐड करना, चार्ट में लेबल्स
या लेजेंड्स ऐड करना। इसके अलावा हम अलग अलग चार्ट लेआउट्स एंड चार्ट फिल्टर्स को भी एग्जांपल्स के जरिए एक्सप्लोर करेंगे। लेक्चर 8 में हम क्विक एनालिसिस ऑप्शन के बारे में सीखेंगे, जहां हम बहुत फास्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक्सेल चार्ट्स एटसेट्रा बना सकते हैं। इसके बाद हम डेटा वैलिडेशन रूल्स के बारे में सीखेंगे कि वैलिडेशन रूल्स का यूज़ क्या होता है, उन्हें डेटा पे कैसे अप्लाई करें एटसेट्रा। इस लेक्चर में हम यह भी जानेंगे कि आप अपने डेटा में डुप्लीकेट एंट्रीज को कैसे हटाएं। लेक्चर 9 में हम अलग अलग टाइप के सर्च ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, जैसे फाइंड, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड फॉर्मूलाज, फाइंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फाइंड डेटा वैलिडेशन रूल्स एटसेट्रा। इसके अलावा हम टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा को सॉर्ट करना सीखेंगे। हम कस्टम सॉर्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि आप एक्सेल में फिल्टर कैसे लगाएं एंड कैसे आप कलर और टेक्स्ट फिल्टर्स लगा सकते हो। लेक्चर 10 में हम एक्सेल फाइल को सेव करना सीखेंगे एंड हम सीखेंगे कि आप एक्सेल फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट्स लाइक CSV या PDF में कैसे सेव करें। इसके अलावा हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप अपनी एक्सेल फाइल को प्रिंट करें। हम प्रिंटर सेटिंग्स या प्रिंट प्रीव्यू के बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे एंड हम कुछ इंटरेस्टिंग प्रिंट लेआउट ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे कि आप कैसे प्रिंट एरिया सेट कर सकते हो या बहुत सारे कॉलम्स या बड़े डेटा को सिंगल पेज में कैसे प्रिंट कर सकते हो। तो ये थी इस वीडियो सीरीज के सारे वीडियोज़ की क्विक समरी। अगर आपको अच्छे से एंड बहुत ही ईजी तरीके से एक्सेल सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को ज़रूर चेक करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या फीडबैक हो तो कमेंट ज़रूर करना एंड अगर यह वीडियो सीरीज़ या कोई भी लेक्चर आपके लिए मददगार रहे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।